फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी की मुठिया। ये एक गुजराती डिश है और इसे हम स्टीम करके बनाएंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके लिए मैंने दो मैंने लौकी लिया है, ये छोटे साइज के लौकी हैं, इनको मैंने छील लिया है। एक बाउल में मैंने गेहूं का आटा लिया है और ये 200 ग्राम आटा है। एक बड़ा चम्मच मैंने बेसन लिया है और 100 ग्राम मैंने सूजी लिया है, ये बड़ा वाला सूजी है। एक चम्मच मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, एक चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, एक बड़ा चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, टेस्ट के अनुसार नमक लिया है, एक चम्मच गरम मसाला लिया है, एक चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर लिया है, हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और यहाँ मैंने जीरा और राई मिक्स करके लिए हैं 1 चम्मच, और यहाँ कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है 2 से 3, और यहाँ मैंने यहाँ पे लौकी को कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड्स, और इसका हमें पानी नहीं निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं हम लौकी की मुठिया। इसके लिए एक बड़े बर्तन में हम गेहूं का आटा ले लेते हैं। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो ये डिश हेल्थी है, इसमें मैंने मैदा का यूज नहीं किया है। अब इसमें हम डाल देते हैं सूजी, और बेसन भी इसमें ऐड कर देते हैं, और अब इसमें डालते हैं जो मैंने कद्दूकस किया है लौकी को उसे, और यहाँ मैंने लौकी का पानी नहीं निकाला है, इसे पानी के साथ ही रखना है। हरा धनिया डाल देते हैं, हरी मिर्ची लिया है, आप चाहें तो हरी मिर्ची का पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा या चटपटा पसंद करते हो तो। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो इसमें कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है इसमें, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा मसाला पाउडर लिया है, और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल लें। यहाँ मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना के डाला है 1 चम्मच, यहाँ मैंने आधा चम्मच हींग डाला है, 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। अब फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से इस आटे को अच्छे से मिला लेते हैं, और इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें हमें और पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लौकी में जो पानी है उसी से हमें आटा गूंदना है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हमारा डो थोड़ा सख्त है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से पानी का यूज किया है, क्योंकि हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये आटा तैयार है। अब इस पे थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि हाथ पे चिपके नहीं, और अब हम इसकी मुठिया बनाएंगे। मुठिया के लिए हमें नरम आटे की ही ज़रूरत है। तेल लगा के इसे अच्छे से सेट कर दिया है, अब हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के हाथ को ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से हमें लौकी की मुठिया बनानी है, और इसे हमें एक सिलेंडर शेप देना है इस तरह से, और इसी तरह से हमें अपने सारी मुठिया तैयार कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मुठिया तैयार कर ली है। यहाँ मैंने एक स्टीमर का यूज किया है, अब इसे भी हमें थोड़ा तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जो मुठिया इस पे चिपके नहीं,
और एक एक करके सारी मुठिया इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से हमें एक एक करके सारी मुठिया इसमें डाल देनी है। स्टीम होने के बाद ये थोड़ी सी और फूल जाएंगी, इसलिए इनके बीच में थोड़ी सी जगह रखनी है। और इसे हम ढक लगा के 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। हाई फ्लेम पे हमें इन्हें पकाना है। 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मुठिया बनके तैयार है। अब एक चाकू की सहायता से हम देख लेते हैं, अगर आटा इस पे नहीं चिपक रहा है तो हमारी मुठिया बनके तैयार है। इसी तरह से ये दूसरा वाला ढक्कन भी मैं खोलती हूँ। हमारा ही दूसरे में भी मैंने इसमें मुठिया डाली थी, ये भी पक के तैयार है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं कुछ देर के लिए। या मैंने एक दूसरे बर्तन में इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए इन्हें ठंडा होने देंगे हम। 10 मिनट हो गए हैं और ये ठंड मुठिया हमारी ठंडी हो गई है। अब इन्हें चाकू की सहायता से हमें काट लेना है। हमें इसके थोड़े बड़े बड़े पीस ही काटने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं काटने हैं। इस तरह से, और इसी तरह से एक और मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस साइज़ के पीस हमें इसके कट करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने इसके सारे पीस कट कर लिए हैं। मैंने सारे लौकी की मुठिया के पीस हैं उनको कट कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी मुठिया है जो पकी हुई है। हमें इन्हें सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनमें हल्का सा क्रंचीनेस आ जाए। तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा और राई डाल देते हैं और थोड़े से डालेंगे इसमें तिल। तिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब फ्रेंड्स, इसमें डाल देते हैं मुठिया। और यहाँ गैस को हमने मीडियम पे रखा है और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हमें अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है ताकि ये जो मुठिया है क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से फ्राई करने से इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक से दो दो मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मुठिया है जो अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और इन पे हल्का ब्राउन कलर आ गया है। यहाँ मैंने गैस को कर दिया है बंद और हमारी जो मुठिया है खाने के लिए तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इनका कलर आया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी की मुठिया तैयार है। ये एक बहुत ही हेल्थी डिश है क्योंकि हमने इसे स्टीम करके बनाया है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।